हेलो फ्रेंड, माँ अम्बे रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, यदि मेरा यूट्यूब चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी शेयर कीजिए। फ्रेंड, आज मेरी रसोई में कच्चे आम का पन्ना बन रहा है। कच्चे आम का पन्ना हमारे पेट को भी बहुत फायदे वाली चीज़ होती है। इसमें जो पुदीना पड़ा होता है वो पेट को हमें ठंडा करता है, और कच्चे पन्ना पीने से हमें लू भी नहीं लगती। इसको गर्मियों में ज़रूर से सेवन करना चाहिए। घर से बाहर निकले जरूर से इसको पी कर निकले, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। आप एक बार जरूर से बनाकर इसको देखिए मेरे तरीके से। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये पनीर की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं रसोई में और इसके पनीर की रेसिपी देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आम पना बना रहे हैं। आम पना बनाने के लिए हमें चार अमिया चाहिए और पुदीना चाहिए। पुदीना जो है वो हमारे पेट को ठंडा करता है, आम के पने से लू से हमको बचाता है। आम पना बहुत स्वादिष्ट होता है। आप इसको कोल्ड ड्रिंक के हिसाब से भी पी सकते हैं और खाने के साथ भी पना खा सकते। आज हम खाने के साथ जो पना खाते हैं उस तरह का पना बना रहे हैं। इसको आप किसी तरह भी खा सकते हैं, जैसे आप बताशे, जो आटे के बताशे बनते हैं उनके साथ भी खा सकते हैं, और खाने के साथ भी चम्मच से आप पना पी सकते हैं। तो पहले ज़माने में तो अंगीठी वगैरह जलती थी, उसमें आम को भूंज के बनाते थे, उसका स्वाद ही कुछ और होता था। लेकिन ज़माना बदल गया और अब हम आम को भूंज के नहीं, इसको बॉयल करके ही बनाते हैं। इसको बॉयल करके कैसे बनाते हैं, चलिए हम आज आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले चार अमियों को आप धो लीजिए। चार अमिया, छह अमिया, आठ अमिया, आपको जितना पना बनाना हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। फ्रेंड, अब ये मैंने एक छोटा सा कुकर ले लिया है, इसमें हम ये चारों अमिया डाल देते हैं। आप अमिया को भगोने में भी पका सकते हैं, किसी और बर्तन में भी पका सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें सीटी नहीं लेनी। सीटी लेंगे तो अमिया फैल जाएगी, जो इसमें पानी पड़ेगा उसमें मिल जाएगी, इसलिए हमको सीटी नहीं लेनी है। अब इसे एक गिलास करीब पानी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी पतीले या भगोने या पैन में भी इनको पका सकते हैं। हमने अच्छा सा पानी डालिए और पक जाएंगी। अब इसमें हमको ढक्कन तो लगाएंगे पर सीटी नहीं लेंगे। मैंने गैस को जला दिया है, अब ढक्कन को हम इस तरह से रख के ही पका लेते हैं इनको। फिर देखिए, मैंने ढक्कन को अच्छे से लगा दिया है। जब ये इसमें सीटी बनने लगेगी तभी हमको गैस बंद कर देना है, उतने में भी हमारी अमिया पक कर तैयार हो जाएंगे। फिर देखिए, ये मेरी अमिया उबल गई। इनको कच्चे आम भी कहते हैं, अमिया भी बोलते हैं, हम लोग तो अमिया बोलते हैं। ये उबल गई, अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं, जब तक हम पुदीना तोड़ लेते हैं। पुदीना तोड़ना बहुत सरल होता है। आप ये ऊपर का कोमल वाली पंखुड़ी हटा लीजिए इस तरीके से, और इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे ऐसे देखिए, पूरी डंडी टूट गई और पूरा पुदीना भी टूट गया। अब आपको एक बार और करके दिखा देती हूँ। पुदीना बहुत ही आसान होता है तोड़ना। आप बस उल्टी दिशा में तोड़िए, ऊपर की फुनगी हटाइए और ऐसे पुदीना पूरा तोड़ लीजिए डंडी सहित। और जैसे ये इसकी फुनगी हटा दीजिए, ऊपर का हिस्सा हटाइए, दो चार पत्तियां हटा दीजिए, और फिर इसको उल्टा पकड़ के ऐसे खींच लीजिए। ऐसे देखिए, आराम से पत्तियां टूट जाती हैं इसकी। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर की फुनगी हटा दीजिए। ये देखिए, इस तरह सारी पूरी पत्तियां टूट जाती हैं। फिर अमिया में अब एक गिलास करीब पानी डाल लीजिए, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी पानी डालने से। अब इनको हाथ से थोड़ा सा खोल दीजिए। ये देखिए, पानी में जल्दी से ठंडी हो जाएंगी ये। अब इनको एक कटोरी में
यमियां निकाल लीजिए इस तरीके से। अभी हम इनको एक पानी से और साफ करेंगे, इसमें अभी बहुत पल्प रहता है अमियों की। छिकलों में भी जिसमें हमने अमिया की गुठली और छिकले रखे उसमें भी एक गिलास पानी डाल लीजिए। इनको भी अच्छे से मैश कर लीजिए। देखिए कितना इसमें गूदा निकल रहा है अभी भी। मैंने छिकले अलग निकाल दिए, अब गुठलियों को भी हाथ से अच्छे से मैश कर लीजिए। इसमें भी बहुत पल्प रहता है। इसको आप साल भर भी स्टोर कर सकते हैं, वो कैसे मैं अभी बाद में बताऊंगी आपको। अमिया का रसा अब इसमें मिला देते हैं। इसमें अभी थोड़ा सा पानी और डालते हैं, अभी इसका और पल्प निकालेंगे। अभी देखिए बिल्कुल इसका पल्प निकल गया है, इनको हटा देते हैं। ये देखिए अभी सारा इसमें हम डाल देते हैं। अब फ्रेंड इसको हम एक दूसरे बर्तन में स्टेनर लगा लिया है, मैं इसको छान लेती हूँ। इसे तो हिलाइए वो अच्छे से छन जाएगा। ये अभी फ्रेंड देखिए छन गया है। अब ये छने हुए वाले को हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। इसको मिक्सी के जार में डाल लेंगे। अब फिर इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल लेते हैं। पुदीने को अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, तब पुदीना डाल लीजिए। ये देखिए फ्रेंड यदि आपको पल्प ये पना आपको हफ्ते भर चलाना है तो इसमें आप नमक मत डालिए, और ऐसे पिसा हुआ एक बोतल में भर के आप फ्रीजर में लगा लीजिए, तो ये आपके एक हफ्ते आराम से चल सकता है। आप निकालिए और थोड़ा सा नमक मिलाइए और यूज कर लीजिए। और मसाले आप डालकर रख सकते हैं पर नमक मत डालिएगा। फ्रेंड ये देखिए हर है, इसको हर बोलते हैं। ये यदि ये पनीर डालते हैं इससे बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस हर को आप भून लीजिए आग में और फिर इसको डालिए। तवा गरम तवे में डाल दीजिए और गरम तवे में डाल के अच्छे से भून लीजिए तो भी ये फूल जाती है, ये दुगनी फूल कर तैयार हो जाती है। इसको हम इसमें डाल देते हैं। एक चम्मच इसमें काला नमक डाल देते हैं। आधी चम्मच ये भुना हुआ जीरा है ये डाल देते हैं। अब इसको ढक्कन लगाकर भून पीस लेते हैं। फिर देखिए ये पीस के तैयार हो गया है। अब इसको हम मिला लेते हैं, या तो आप इसको छान कर मिला लीजिए या तो ऐसे ही मिला लीजिए। कभी कभी पत्तियां रह जाती हैं जो पीस नहीं पाती हैं, इसलिए आप छान भी सकते हैं इसको। फ्रेंड मैंने अभी सफेद नमक नहीं डाला था इसलिए आधी चम्मच सफेद नमक डाले। काला नमक की मात्रा ज्यादा रखें, काला नमक से पेट भी सही रहता है और डाइजेशन भी बहुत सही रहता है, इसलिए हम काला नमक सफेद नमक डाल रहे हैं और काला नमक की मात्रा ज्यादा रखिए। फ्रेंड देखिए मेरे कच्चे पान का पना बनकर बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। कच्चा आम का पना आप घर से जब निकले सुबह के टाइम तो जरूर से एक छोटे गिलास भर के जरूर पी के निकले, क्योंकि आम कच्चे आम के पने से लू नहीं लगती है
और जिसमें पुदीना पड़ा है उससे डाइजेशन भी सही रहता है और पेट को भी ठंडा रखता है। आप यदि इसको शरबत के रूप में पीना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच चीनी डाल लीजिए, देखिए, और इसमें आइस क्यूब भी डाल लीजिए। तो कोरोना काल चल रहा है इसलिए आइस तो थोड़ा कम खानी चाहिए, मना है कि ठंडी चीज़ें मत खाएं, इसलिए मैंने आइस मेरे घर में लगाई नहीं क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं और आइस और ठंडा पानी पीते हैं, इसलिए मैंने घर में कोरोना काल के पीछे आइस भी नहीं जमाई और ठंडा पानी भी नहीं रखा। तो आप चाहें तो इसमें आइस डाल लीजिए और इसको शरबत के रूप में भी पी सकते हैं। इसको चम्मच से चला दीजिए, पिसी हुई चीनी पीसी रखी हो तो आराम से आप इसमें घोल सकते हैं, यदि आपके पास खड़ी चीनी है तो मिक्सी में थोड़ा सा पानी के साथ चला लें तो आराम से पिस जाएगी ये। अब ये बिल्कुल प्लेन बना है, आप इसको खाने के साथ कटोरी चम्मच से या गिलास में लेकर बीच बीच में खाते जाएं, बहुत ही अच्छा खाना भी लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा स्वाद भी लगेगा। मेरे यहाँ तो ऐसे ही खट्टा पना खाते हैं सब लोग। ये देखिए फ्रेंड, देखिए मैंने इसको पुदीने की पत्ती से गार्निश कर दिया। आपको मेरे कच्चे आम के पनीर की रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप कैसे बनाते हैं जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं भी उसी स्टाइल में बनाकर देखूंगी। तो आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगली वीडियो किस चीज़ की बनाओ इसको भी कमेंट करके बता दिया करिए प्लीज़। तो चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं, राधे राधे।